नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों आज का वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो कि लाइव साउंड सेटअप के बारे में, आप कैसे रेडी कर सकते हो एक लाइव साउंड। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भागवत कथा के लिए हम लोगों ने लगाए, आप भी आपको टोटली वीडियो देखते रहना, ठीक है। दोस्तों कितना प्रयोजन होता है, मतलब कितना ज़रूरत होती है एक लाइव डीजे साउंड में, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बॉक्स या टॉप के बारे में। हम लोग ने लो मतलब बेस 1000 वाट का बेस यूज़ किया है, और आहूजा का SRX 500 का टॉप यूज़ किया, ठीक है। दोस्तों एक साइड में एक है, दोस्तों एक साइड में एक मतलब वन पेयर बेस और वन पेयर टॉप हम लोगों ने यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं खुद इस तरह का है, एक साइड मतलब दो साइड हम लोगों ने यहाँ पर लगाए। हम लोगों ने स्टूडियो मास्टर का 16 चैनल का मिक्सर यूज़ किए हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये मिक्सर दोस्तों आप लाइव साउंड के लिए ले सकते हैं। दोस्तों पहले आप डीजे की शुरुआत कर रहे हैं तो आप स्टूडियो मास्टर का मिक्सर ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एम्पलीफायर यूज़ किए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंजर का 3K एम्पलीफायर, एन आहूजा का BTZ 10000, एन आहूजा का 250, एन आहूजा का यूनिसन का जो पुराना मॉडल वाला 120 वाट का एम्पलीफायर हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। कुछ वायरिंग वगैरह चल रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूँ दोस्तों, जो कि डीजे साउंड सेटअप चलाने के लिए आपको काफ़ी तकलीफ होता है, ठीक है। दोस्तों क्यों मुश्किल होता है दोस्तों, यहाँ पर साउंड लाइव साउंड के लिए मिलाना काफ़ी अच्छा होते हैं, क्योंकि आप गलत वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अच्छा से आपको वायरिंग कर लेना है। दोस्तों ये सिंगर प्रोग्राम होता है तो ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो सिंगर प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के लिए आपके लिए मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सेटिंग कैसे कर लेना, ठीक है। दोस्तों जो मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों मॉनिटर जितना अच्छा होगा सिंगर प्रोग्राम के लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। दोस्तों आउटसाइड तो जो कि मेरे आप लोगों ने 2 टॉप 2 बेस लगाया था, उस साइड तो आप देखे होंगे कितना अच्छा साउंड जाता है, ठीक है। टोटली साउंड का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मतलब टेस्टिंग का वीडियो, ठीक है। दोस्तों ये डीजे सेटअप आप खासकर भगवत कथा के लिए ले सकते हैं दोस्तों, 5 kW का मतलब यहाँ पर स्टेबलाइजर भी यूज़ किए हैं हम लोगों ने, और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंजर का छोटा 6 चैनल का मिक्सर लिया हूँ, जो कि उसका वॉइस आउटपुट बहुत ही अच्छा निकलता है, तो हम लोगों वहाँ से वॉइस जो सिंगर होते हैं जो गुरु जी होते हैं उनको हम देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये डीजे सेटअप काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं टोटली प्राइस के बारे में दोस्तों, आपको SRX 500 का जो टॉप होता है आपको लगभग आपको 40,000 में मिल जाएगा, जो बेस होता है आपको मतलब लगभग आपको 60,000 में मिल जाएगा, मैं PR का बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको जो एक मॉनिटर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर SRX 440 का 2 टॉप यूज़ किए थे, आपको उस 30,000 में आपको मिल जाएगा करीबन 30,000, ठीक है। दोस्तों और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एम्पलीफायर की प्राइस के बारे में, 3K का एम्पलीफायर वही 35 में मिल जाएगा, अब BTZ 10000 वही आपको 40+ में मिल जाएगा, और 120 आपको 13 से 14,000 में मिल जाएगा, 250 आपको 16,000 में मिल जाएगा। कुछ इस तरह मैंने एम्पलीफायर का प्राइस बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लाइटिंग वगैरह, कुछ माइक्रोफोन वगैरह ये होता है दोस्तों, आप पकड़ लीजिए 1 लाख मतलब टोटली, मतलब 1 लाख में आपको पूरा टोटली लाइटिंग, उसके साथ जनरेटर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। दोस्तों जनरेटर एक्स्ट्रा होता है, कुछ अब मैं आपको यहाँ पर साउंड टेस्टिंग सुनाता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर साउंड टेस्टिंग सुना, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।